हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण अग्रवाल। आप देख रहे हैं टेक्निकल इंडिया। दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नंबर आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऑटोमेटिकली सेव हो गया था। दोस्तों, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले हैं उनने ली थी, ना ही कोई टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने ली थी दोस्तों, और ना ही कोई मोबाइल ब्रांड्स ने ली थी। तो आज यहाँ गूगल की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है दोस्तों। गूगल ने यहाँ अपनी गलती मानते हुए ये स्वीकार करा है दोस्तों कि ये नंबर हमने फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट में सभी की कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव करा है दोस्तों। तो क्यों सेव करा है गूगल ने यहाँ और कैसे माफी मांगी है सबसे दोस्तों, तो आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों ये भी बताने वाला हूँ कि 2018 में आपका मोबाइल सेफ है या नहीं है दोस्तों। फेसबुक आपकी सारी बातें सुन सकता है दोस्तों, कैसे फेसबुक आपकी सारी बातें सुन सकता है ये भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नीचे लाल कलर का सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, और पास में घंटी का आइकन दिखेगा उसे भी दबा दीजिए ताकि आप पाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, UIDAI का नंबर आपके फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव हो चुका था, मैंने आपको कल बताया था दोस्तों। तो इस नंबर के जो यहाँ कौन ने यहाँ सेव करा है दोस्तों, और साथ में यहाँ एक नंबर और था डिस्ट्रेस नंबर करके, जो कि यहाँ 112 करके नंबर था दोस्तों, और एक UIDAI का नंबर था 1800300019 47 दोस्तों। ये दो नंबर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में बिना परमिशन के सेव हो चुके थे दोस्तों। और यहाँ इस नंबर के पीछे की जो यहाँ रिस्क है दोस्तों, वो यहाँ कोई ने भी नहीं ली थी, ना ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने ली थी, ना ही UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने ली थी, ना ही कोई मोबाइल ब्रांड्स ने ली थी दोस्तों कि हमने यहाँ मोबाइल में आपके नंबर सेव करा है ये। तो आज यहाँ गूगल की तरफ से काफी बड़ा बयान निकल कर आया है दोस्तों। गूगल ने अपनी गलती मानते हुए स्वीकार करा है दोस्तों कि गूगल ने सभी के मोबाइल में यहाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट में ये नंबर सेव करा है, लेकिन ये नंबर दोस्तों फिलहाल अब भी यहाँ सेव नहीं किया है दोस्तों। ये नंबर गूगल ने सेव किया था दोस्तों 2014 में। 2014 में गूगल ने अपने सर्वर पर ये नंबर सेव करा था, लेकिन अब जाकर यहाँ इनेबल क्यों हुआ है ये नहीं बताया है गूगल की तरफ से, और ना ही गूगल को किसी ने बोला था दोस्तों, ना ही UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला था, ना ही कोई टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने, ना ही कोई ब्रांड मोबाइल ने बोला था दोस्तों। तो यहाँ जो सारा ये करा है दोस्तों, गूगल ने अपनी मर्जी से करा है, और यहाँ रीजन भी नहीं बताया है गूगल ने कि क्यों करा है। अब जाकर इनेबल 2014 से ये नंबर सर्वर पर पड़ा था, लेकिन अब 2018 में ये मोबाइल में सभी के मोबाइल में इनेबल क्यों हुआ है दोस्तों। ये ओनली दोस्तों एंड्रॉइड मोबाइल के लिए नहीं है, आप iOS की तरफ भी जाते हैं दोस्तों तो आपको iOS में भी ये प्रॉब्लम मिलेगी दोस्तों कि जो यहाँ गूगल ने नंबर सेव करा है वो आपके iOS मोबाइल में भी मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ आपने अगर जो फोन खरीदा है 2014 के बाद में नया, या फिर आपने चेंज भी करा है दोस्तों, तो ये नंबर आपके फोन में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ गूगल ने अपने सर्वर पर डाल रखा है दोस्तों, तो यहाँ सभी के मोबाइल में ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। तो दोस्तों, अब कुछ बातें कर लेते हैं कि 2018 में आपका मोबाइल कितना सेफ है या नहीं है दोस्तों, और फेसबुक आपकी सारी बातें कैसे सुन सकता है। फेसबुक की तरफ से दोस्तों एक फेसबुक ऐप में ही एक फीचर टेस्टिंग पर चल रहा है, वो फीचर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक की तरफ से एक टीवी टेस्टर चल रहा है दोस्तों, टीवी पे आपके टीवी शो चलते हैं, टीवी मूवी चलती है दोस्तों, और बीच बीच में जो एड्स आते हैं वो चलते हैं। तो अब यहाँ फेसबुक ऐप सारा डिटेक्ट करने वाला है कि आप यहाँ टीवी पर क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं दोस्तों, सारी जानकारी यहाँ फेसबुक ऐप आपका डिटेक्ट करने वाला है। और वो दोस्तों कैसे होने वाला है,
जो यहाँ टीवी जो एड चलते हैं वो, टीवी शोज जो चलते हैं वो, या फिर टीवी मूवीज जो चलती है वो, उसमें एक साउंड ऐसा ब्रॉडकास्ट करवाएगा कि वो अपन को यहाँ पता नहीं चलेगा कि क्या साउंड है दोस्तों। वो फेसबुक ऐप अपने आप डिटेक्ट कर लेगा और उसका जो माइक है दोस्तों वो ऑन हो जाएगा और सारी फेसबुक आपकी बातें सुन लेगा कि आपके यहाँ जो टीवी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या आप देख रहे हैं, सारी जानकारी फेसबुक ऐप आपका डिटेक्ट कर लेगा दोस्तों। तो यहाँ टीवी की आवाज रिकॉर्ड कर सकता है फेसबुक ऐप, तो अपनी भी यहाँ आवाज डिटेक्ट कर सकता है, यानी अब जो यहाँ अपनी जो प्राइवेसी रही है वो बिल्कुल भी नहीं रही है दोस्तों। प्राइवेसी अपन जो यहाँ घर में बोलचाल करेंगे या कुछ अपन बातें करेंगे तो वो भी यहाँ डिटेक्ट करने वाला है फेसबुक ऐप, यानी वो माइक यहाँ ऑन हो चुका है दोस्तों। तो उसके बाद में जो भी यहाँ आवाज उसको मिलेगी वो डिटेक्ट कर लेगा दोस्तों। मतलब यहाँ जो टीवी टीवी में जो शोस आने वाले हैं उसके बीच में जो आवाज रहेगी, उसके बाद में आपका माइक ऑन हो जाएगा, उसके बाद में जो भी आपका घर में बोलचाल कर रहे हैं या फिर जो टीवी में साउंड चल रहा है वो, या सारी आपकी जो आवाज है वो रिकॉर्ड करने वाला है फेसबुक। तो इस तरीके से ये फीचर काम करेगा दोस्तों। तो काफी मतलब मुझे एक खतरा वाला फीचर लग रहा है दोस्तों, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फीचर नहीं लगा है। आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताना। और 2018 में तो ये अपनी प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं रही है, क्योंकि यहाँ जो आपका मोबाइल का डाटा है वो लॉस भी हो सकता है दोस्तों, या आपका जो मोबाइल का डाटा है वो चोरी भी हो सकता है इस फीचर के जरिए, या फिर आपका जो अकाउंट नंबर है या कुछ भी यहाँ जो अपन रखने वाले हैं वो सारी डिटेल आपके लॉस होने वाली है दोस्तों, यानी चोरी होने वाली है। मतलब अभी यहाँ टेस्टिंग चल रहा है दोस्तों, अभी फिलहाल नहीं आया है ये फीचर, काफी जल्दी यहाँ फेसबुक पर लाने वाला है ये फीचर, लेकिन काफी खतरे वाला फीचर लग रहा है दोस्तों ये। आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताना कि आपको ये फीचर कैसा लगा। और आज के ये वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए।